हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो टिप्स पांडे जी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मोबाइल ग्लास और टच और मोबाइल एलसीडी मतलब डिस्प्ले के बारे में फुल डिटेल में। तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जिनको इसके बारे में पता है वो वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, और दोस्तों जिसको नहीं पता है वो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलो दोस्तों, टाइम ना खराब करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लास के बारे में। दोस्तों, हम मोबाइल पे ग्लास क्यों लगवाते हैं? मोबाइल पे ग्लास लगवाने से हमारे मोबाइल का टच की सेफ्टी बनी रहती है और मोबाइल के टच पे कोई स्क्रैच नहीं आता है, जिससे हम ग्लास लगवाते हैं। अगर दोस्तों हम इसके प्राइस की बात करें तो मार्केट में हमें 40-50 रुपये के लगभग पड़ता है। अगर हम इसकी होलसेल रेट की बात करें तो ये लगभग 6-7 रुपये का एक टफन ग्लास पड़ता है। इसको हम टफन ग्लास भी बोलते हैं और टम्पेयर्ड ग्लास भी बोल सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टच के बारे में। दोस्तों, अगर हम टच की बात करें तो ये हर मॉडल का अलग अलग आता है, हर कंपनी का, हर मॉडल का, मॉडल के हिसाब से अलग अलग सबका आता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो 80 रुपये से लगभग स्टार्टिंग होकर और 250 रुपये तक लगभग ये आता है। इसके एक सिरे पे बेल्ट लगी रहती है जो कि मोबाइल के पीसीबी से कनेक्ट की जाती है, जिससे ये वर्क करना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों, एक बात मैं यहाँ और बता देना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे मॉडल हैं अभी जो नए आ रहे हैं जिनका टच अलग से नहीं मिलता है, डिस्प्ले के साथ ही आता है। मतलब मोबाइल एलसीडी और टच दोनों कॉम्बो आता है, जिसे हम कॉम्बो बोलते हैं या फोल्डर भी बोल सकते हैं। और ये थोड़ा महंगा हो सकता है, 1000-1200 तक मॉडल के ऊपर से, जैसा आपका स्मार्टफोन हो उस हिसाब से हो सकता है। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों, सिंपल है, डिस्प्ले टच के नीचे का जो भाग रहता है जिसमें हम ग्राफिक देख सकते हैं, उसे हम डिस्प्ले बोलते हैं, मोबाइल एलसीडी भी बोल सकते हैं इसको। और इसकी प्राइस लगभग 250 से स्टार्टिंग होकर 700-800 तक की होती है। हर मॉडल का ये भी अलग अलग आता है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पे होलसेल प्राइस की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी मैकेनिक के दुकान की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें भी एक साइड में कनेक्टर जैसा, बेल्ट जैसा लगा रहता है, जिससे हम मोबाइल पीसीबी से कनेक्ट करते हैं तो ये काम करना चालू करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ग्लास, टच और मोबाइल डिस्प्ले के बारे में जाना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, हम उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले ही ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।